नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो बिहार सरकार ने बुधवार को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इस बार राज्य सरकार 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जिसमें 10 महिला शिक्षक शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से पत्र लिखकर इन्हें जानकारी दे दी गई है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के दिन बिहार के इन 20 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सूबे के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित 20 शिक्षक और शिक्षिकाओं का चयनित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि पुरस्कार वितरण के लिए जगह के बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इन्हें सूचना दी जाएगी। पुरस्कार पाने वालों में पटना, मधुबनी, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, दरभंगा, बेगूसराय और नवादा जिले के शिक्षक और शिक्षिका शामिल हैं। पहली से आठवीं क्लास तक के 1.29 करोड़ बच्चों को किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 402 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। डीबीटी के जरिए बच्चों के अकाउंट में यह राशि डायरेक्ट भेजी जाएगी। अगले 2-3 दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा यह राशि भेजी जाएगी। पहली से चौथी क्लास तक के छात्र छात्राओं को 250 रुपये और 5वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को 400 रुपये बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि 72,000 प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल बच्चे पिछली क्लास की किताबें पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर 1,29,06,682 बच्चों को किताब खरीदने के पैसे भेजने की अनुमति दी गई है। रेलवे में 12वीं पास लोगों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने पश्चिम रेलवे में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा के जरिए ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आरआरसी पश्चिम रेलवे भर्ती के माध्यम से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुल 21 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ही वैकेंसी निकली है। बता दें कि रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए सभी पद अनारक्षित है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। आरआरसी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें अधिक आयु वाले उम्मीदवार योग्य नहीं होंगे। इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पश्चिम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcwr.com पर जाकर 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में इस भर्ती के लिए पे लेवल 4 और 5 के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं लेवल 2 और 3 के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही संबंधित खेल से विशेष स्पोर्ट्स योग्यता भी होनी चाहिए। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आज से हलचल तेज हो गई है। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिहार में पहले चरण का पंचायत चुनाव 24 सितंबर को होगा। बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव के लिए आज बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होगा। आज से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की अंतिम तिथि होगी, जबकि 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी हो पाएगी। उम्मीदवार को 13 सितंबर को सिंबल जारी किए जाएंगे। बिहार में पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगी। 26 और 27 सितंबर को मतगणना होगी, इसके साथ ही चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार में बिजली कंपनी के आरए पीडीआरपी सर्वर में आई खराबी के बाद अब तक उपभोक्ताओं की परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी है। बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता अभी भी परेशान है, लेकिन अब बिजली कंपनी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना समेत राज्य के 64 शहरों में रहने वाले 18 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से शुरू होगी। 29 जुलाई को बिजली कंपनी के आर ए पी डी आर पी में खराबी आ गई थी, जिसके बाद बिजली बिल जनरेट करने और उसके भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसी खराबी को पिछले दिनों दूर कर लिया गया है। तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के बाद अब पोस्ट पेड उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग
ऑन स्पॉट बिलिंग करने का काम एक बार फिर से शुरू होगा। 1 सितंबर से बिलिंग की शुरुआत सभी 13 डिवीजन में की जाएगी। इसके अलावा राज्य के 64 शहरों में पोस्टपेड उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग के साथ नया कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को 2 महीने का बिल अब एक साथ भेजा जाएगा। इसके लिए सर्वर में आई खराबी को बड़ा कारण माना जा रहा है। 35 दिन बाद बिलिंग की शुरुआत होने जा रही है। जुलाई महीने में उपभोक्ताओं की बिलिंग की गई थी। अगस्त में बिलिंग का काम बुरी तरह से सर्वर बंद होने के कारण ठप था। राज्य में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर नीतीश सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। सरकार ने हालिया वक्त में कई बड़े फैसले किए हैं और अब एक और बड़े कदम की तैयारी में है। प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। किसी व्यक्ति को अगर जमीन बेचनी हो तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। नीतिगत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। सरकारी वेबसाइट की भूमिका बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए उपलब्ध खरीदारों की पुख्ता जानकारी देने की होगी। जमीन की कीमत विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति से ही तय होगी। बिहार में 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना में सामने आने वाली गड़बड़ झाले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बड़ा फैसला किया है। सीएम नीतीश ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह घर घर नल का जल योजना को लेकर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करें। इस योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार जनता दरबार कार्यक्रम में सामने आ रही है। कई फरियादियों ने नीतीश कुमार को 2 टूक तरीके से कहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार लगातार इस बात पर मंथन कर रहे थे कि आखिर इस योजना को कैसे पारदर्शी बनाया जाए। मंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक अन्य मार्ग में मंगलवार को नल जल योजना की प्रगति की समीक्षा की। पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का जमीनी मुआयना करे, जलापूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करें, नई तकनीक का प्रयोग कर सही सूचना एकत्र करें और लोगों की शिकायतों को जल्द समाधान करें। जेल से रिहा होने के बावजूद दिल्ली में रह रहे लालू प्रसाद यादव की अब जल्द ही बिहार में एंट्री होगी। लालू के पटना आगमन की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जल्द ही पटना आने की पुष्टि कर दी है। मंगलवार को दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और धीरे धीरे आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल जन्माष्टमी थी, दिल्ली में हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ मनाया गया था, तो वहाँ लालू जी गए भी थे। मुझे लगता है कि वे जल्द ही बिहार आ जाएंगे। लालू यादव के नजदीकी लोग भी बता रहे हैं कि उनके पटना आने की तैयारी की जा रही है। दरअसल परिवार से लेकर पार्टी की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे कि लालू यादव की दिल्ली में रहने से नुकसान हो रहा है। वहीं उनके स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। 1 सप्ताह पहले दिल्ली एम्स में हुई जांच में उनकी रिपोर्ट पहले से काफी सही आई है। ऐसे में डॉक्टरों से एक बार और मुलाकात के बाद लालू यादव पटना आने का दिन तय कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 दिन में नियोजित शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने 16 अरब से ज्यादा की राशि जमा कर दी है। 2 दिन में टीचर का भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्रीकांत शास्त्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षकों के भुगतान के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। विभाग के पत्रांक संख्या 5490 के अनुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत बिहार में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को जून और जुलाई महीने के वेतन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षकों के 2 महीने जून और जुलाई के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने 16,48,84,19,430 रुपये जारी कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान कर राज्य कार्यालय को सूचित करेंगे।
बिहार सरकार अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रोक अख्तियार करने वाली है। सरकार के नियमानुसार समूह ग के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। हर साल फरवरी महीने तक सरकारी कर्मी इसे अपने विभाग में जमा करवा देते हैं, लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे कर्मियों पर अब सरकार सख्त हो गई है। तय समय में संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहले तो उनका वेतन रोका जाएगा और फिर से ब्यौरा नहीं सौंपा गया तो इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में इस बात की चर्चा है कि हर साल 28 से 29 फरवरी तक समूह क और ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चल संपत्ति का विवरण सरकार द्वारा तय किया गया है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा यह समर्पित नहीं किया जाता है या फिर निर्धारित अवधि के बाद संपत्ति का ब्यौरा कई कर्मचारी और अधिकारी नहीं देते हैं। इसे गंभीर कदाचार मामला मानते हुए कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।